ट्रांजिस्टर के एक्चुअल मॉडल के साथ ये। हाँ अच्छा, ये है ना ट्रांजिस्टर का सिंबल। यस सर, ठीक है, ये कौन सा टर्मिनल है? बेस सर बेस है है, जी सर। तो ये इसका बेस टर्मिनल है। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा यस सर, टर्मिनल है? एमिटर सर मीटर है ठीक है, ये इसका एमिटर टर्मिनल है। है सर। और ये कौन सा टर्मिनल है? सर कलेक्टर है वो यहाँ पे है। अच्छा, अब बेस और एमिटर के बीच में से जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो कौन सा है? जिधर से जो प्रोवाइड करते हैं, बेस से जो करंट देते हैं, क्या है वो? सर, आई बी आई बी। तो वो इधर से फ्लो कर रहा होता है, वो इधर से फ्लो करता हुआ आ गया। कलेक्टर जी से कौन सर। सा करंट आता सर आई सी है? तो वो आईसी यहाँ से कलेक्टर से आ गया। ये जो दोनों हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके सब कुछ जो है, आप आगे अगर यहाँ पर से इस तरह से बना दें, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो ये दोनों करंट्स का सम होके आएगा, वो मीटर करंट होगा। वो आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक ओके सर है, तो जी मतलब सर। कि आप जब ये बना रहे होते हैं ना, तो आप नीचे अंदर जहन में यही चीज होनी चाहिए कि मैं इस तरीके से ऐड करके बना रहा हूं। अच्छा, दूसरी चीज आती है, अब जब आप इसको ऑन करते हैं तो बेस से मीटर के बीच में वोल्टेज कितनी आती है? सर बेस से मीटर 0.7 वोल्ट होती हाँ, 0.7 क्यों आती है? सर, उसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 वोल्ट का होता है सिलिकॉन के केस में। हाँ, तो सिलिकॉन का कौन सा जंक्शन होता है ये? किस जंक्शन का होता है? सर एनपी एनपी, पीएन जंक्शन का होता है। ठीक है, यस और सर पीएन पीएन जंक्शन जंक्शन आपके पास अगर कहीं बना हो तो वो डायोड जैसा ही बिहेव करता है ना? यस सर ठीक है, वो बेशक आप ज्यादा भी कर रहे हैं तो ये डायोड यस की सर तरह, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायोड लगा दिया। मतलब कि इसमें से जो करंट फ्लो करना है और जी जो सर इसके अंदर से आपके पास जो है ना बेस टू एमिटर जो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगी वो यही आएगी। ठीक है, वीबीई यस सर वोल्टेज आएगी जो कि डायोड की तरफ 0.7 है। अच्छा, उसके बाद है कि ये जो कलेक्टर करंट है इसका इस बेस करंट से क्या ताल्लुक है? सर जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर पर करंट होता है वो आईबी का बीटा टाइम्स होता है। तो ये बीटा टाइम्स आईबी हो गया। जी सर तो यहाँ पे इसको हम जो है नॉर्मल जो हमें कन्वेंशंस पता है और लीनियर सर्किट एनालिसिस चीजों में पढ़ा था, वो ऐसे है कि जैसे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, आई कलेक्टर इसकी आउटपुट है और बीटा इसका गेन है और आई बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसी यस सर बात को जो है ना आपने अगर मॉडल में लिखना हो तो वो ऐसे मॉडल करेंगे। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो इसका बिहेवियर जो ट्रांजिस्टर का ये बिहेवियर था ना, यहाँ पे तो आपको बस ना सिंबल ही नजर आ रहा है, तो एक्चुअल अंदर की चीजों को नहीं मॉडल हमने इधर शो करके दिखाया। तो प्रॉपरली मॉडल करना तो वो इस तरह से करते हैं, यस बस सर यही बात है। ये और कहीं इतना इस्तेमाल भी नहीं होता, ये आपको जेहन में अगर पता हो आप सिंबल पे कर सकते हैं तो ठीक है, इस चीज को जेहन में याद रखने की जरूरत नहीं ओके जी। और क्वेश्चन जी, हैंड रेस किया है, 5647 पूछें। हाँ फाइव सिक्स फोर सेवन, माइक ऑन करें पहले। फाइव सिक्स फोर सेवन माइक ऑन है ऑफ है जो भी है अभी ऑन करें अपना, बेशक हैंड नहीं रेस किया हुआ। सकलेन अशरफ, आपको मैं कह रहा हूं कि आप अपना माइक ऑन करें, आप अवेलेबल हैं? अच्छा, इस चीज की क्या वजह है कि अब एक स्टूडेंट इधर अवेलेबल है, ठीक है, लेक्चर चल रहा है और उसके एंड के ऊपर मैं उसको कहता हूं कि जी अपना माइक्रोफोन ऑन करें और वो माइक्रोफोन ऑन नहीं करता और मीटिंग से लीव कर जाता है या कुछ इस तरह से। जी बताएं क्या वजह है। सर, सर मैं आ गया हूँ सर। वो मेरा लैपटॉप का वो कोई माइक का इशू था, मैंने अब मोबाइल से दोबारा लॉगिन किया। चलें ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं ना ये किसी इस तरीके से किया जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या कोई चीज हो तो फौरन आप कर दें। जी कोई क्वेश्चन है आपका?
जी सर, वो कह रहा था कि अगर हमारे पास इनपुट वोल्टेज 0.7 से कम हो तो उसके बारे में फिर क्या करंट उसमें से पास करेगा, क्योंकि आप हमारे पास लोगों ने डायोड पढ़ा डायोड तो हुआ है ना? 0.7 ड्रॉप होंगे। अच्छा, तो आपने जो पढ़ा है कि डायोड के क्रॉस अगर 0.7 वोल्ट से कम हो तो वो ऑन नहीं होता? नहीं सर, वो उसका सेचुरेशन करंट से फिर क्या रिलेशन है? नहीं, सेचुरेशन करंट से क्या रिलेशन का क्या मतलब? मैं अभी ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों को पता है ना कि अगर वोल्टेज लेट से ये 0.3 वोल्ट हो, क्या डायोड ऑन होगा? 0.4 नो सर, हो जाए, पॉइंट नहीं सर, फाइव सर 0.7 से अगर कम होगा तो, क्योंकि 0.7 तो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होने हैं, तो अगर 0.7 से कम होगा तो फिर नहीं होगा डायोड। नहीं, ये इतना हार्ड फास्ट रूल नहीं है। 0.5 पे भी तकरीबन ऑन है, 0.6 के ऊपर भी आ जाता है। ठीक है, ये तो हम अगर एक पॉइंट सेवन अजम्पशन तो लेते सर होते हैं। 0.7, 0.7 के ऊपर जितना मर्जी करंट हो, पर थोड़ा बहुत करंट है तो 0.5, 0.6 पे ऊपर भी हो जाता है। ये इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे इस तरह का, हम ना क्वाजी सेचुरेशन या उन चीजों के अंदर जो है, नहीं क्वाजी सेचुरेशन या और टर्मिनोलॉजी है कोई। ठीक है, तो ये मतलब 0.5, 0.6 तक भी तकरीबन ऑन एक तरह का हो जाता होता है। तो अगर जो है इससे कम के ऊपर होगा, ठीक है, तो जो बात है ना, ये वोल्ट्स पे इतनी स्पेसिफिक नहीं है जितनी के बात होनी चाहिए कि फॉरवर्ड बायस्ड है कि नहीं है। फर्क समझे ना? हो सकता है जी एक आपके पास बीजेटी हो जो सर, 0.6 के ऊपर ऑन हो जाता हो, एक हो सकता है कि वो 0.65 पे होता हो, एक 0.55 पे ऑन हो जाता हो, पर जो मेन जो पॉइंट है ना, वो वोल्टेज से ज्यादा चीज है कि फॉरवर्ड बायड हो, बायस्ड हो। हर ट्रांजिस्टर की थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, अब रीफ्रेस करके क्वेश्चन आप अपना पूछें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि जी अगर कोई वो जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं है तो फिर क्या होगा? जी सर, अगर फॉरवर्ड बायस नहीं है तो आप कट ऑफ मोड में होंगे। सेचुरेशन करंट सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, वो उसका सेचुरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जब आपके पास जो है ना, ये वोल्टेज लेट से आपके पास 0 वोल्ट आ गई, तो इधर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, यहां से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ये ओपन है सर्किट। तो उस केस के अंदर जो है ना, यहां से ये जो करंट है, ये तकरीबन आपके पास 0 ही करंट है, तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो जो VCC है वही आपके पास यहाँ पे आ गई। तो ये VCE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VCC लिखा भी हुआ है। जो सेचुरेशन का सिनेरियो है, सेचुरेशन करंट, आपको ये कर्व पे तो समझ आ गया ना, सेचुरेशन रीजन कहाँ पे आता है? इधर सर सैचुरेशन का फिनोमेना थोड़ा सा नहीं समझ आया कि किस तरह सैचुरेशन करंट तो। अच्छा, आपको ये चीज तो समझ आ गई है ना कि अगर आपने जो है बेस टू मीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस नहीं किया, जहां बेस करंट 0 फ्लो कर रहा है, तो आप कट ऑफ रीजन में है। ये चीज तो समझ आ गई है ना आपको? जी सर, ठीक है, तो अगर आपके पास जो है, लेट से यहां पे इसके अक्रॉस जो है ना, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, लेट से 0.7 वोल्ट आ गए। ठीक है, ये मैं हम अप्रोक्सीमेशन ये लिखते होते हैं, एक्चुअल हो सकता है 0.65 पे हो रहा हो, तो ये 0.7 वोल्ट्स के ऊपर हो गया, तो और यहां से करंट भी IB फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये करंट फ्लो कर रहा है, और हमारे पास क्या है कि जी ये क्योंकि NPN है, तो NPN का मतलब है कि ये ऐसे है जैसे दो डायोड्स इस तरीके से लगे हुए हैं। आपने नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया, ऊपर वाला डायोड अगर रिवर्स्ड बायस्ड है, मतलब ये प्लस माइनस, आमतौर पे ये 0.5 वोल्ट्स पे इसका हम लिखते होते हैं कि जी ये फॉरवर्ड बायस्ड है ऊपर वाला, अगर नहीं बल्कि फॉरवर्ड बायस्ड नहीं, एक्सक्यूज, अगर ये ऊपर वाला जंक्शन हमारे पास रिवर्स्ड बायस्ड है,
ठीक है, मतलब इधर ज्यादा वोल्टेज है इधर कम है, अगर ऊपर ज्यादा वोल्टेज है नीचे वोल्टेज कम है, तो उस केस में हम होंगे एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड है ये वाला पूरा एरिया जो अभी तक आपको स्टार्ट से जितना पढ़ाया था ना कट ऑफ के अलावा, वो सारा का सारा ही एक्टिव एरिया है। ठीक है, एक्टिव एरिया में क्या होता है कि आपके पास कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा, बीटा आई बी। तो जितना बेस करंट आप बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, यहां पे लेट से इसकी वैल्यू 1 मिली एम्पेयर है, इसकी वैल्यू जो है वो 4 मिली एम्पेयर है, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी आपने जो है वो 20 मिली एम्पेयर कर दिया। तो जितना आप जो है ना बेस करंट को बढ़ाते हैं, उतनी ही आपके पास जो है ना यहाँ पे जो है कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब वो कितना बढ़ेगा, वो बीटा से आप मल्टीप्लाई कर दें। अगर बीटा 100 है तो 20 मिली एम्पेयर के केस में 100 से करते हैं तो 2 एम्पेयर आपके पास जो है ना वो कलेक्टर करंट आ जाएगा। 1 मिली एम्पेयर है, 100 से आपने मल्टीप्लाई किया, 100 मिली एम्पेयर आपके पास जो है वो कलेक्टर करंट आ गया। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, ऊपर से क्या चीज आई है कि यहां पे ना ये जो VCE वोल्टेज है ना कलेक्टर टू एमिटर, वो ये है, और कलेक्टर करंट इधर से फ्लो कर रहा है आई कलेक्टर। अच्छा, अब आगे क्या होता है कि इसमें आप चीज देखें कि ये जो वोल्टेज है ना ये कुछ भी हो सकती है। ये यहाँ पे वोल्टेज जो है ये है 20 वोल्ट है, तो भी जितना बेस करंट है उसके ऊपर ही जो है कलेक्टर करंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है। आप इस वोल्टेज को कम करके कर देते हैं 10 वोल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि ये VCE वोल्टेज का कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक आप एक्टिव मोड के अंदर है ना, आपके इस करंट पे ही आउटपुट करंट डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे 5 वोल्ट कर दिया, यहाँ पे आपने 4 वोल्ट कर 1 वोल्ट कर दिया, इन सारे केसेस के अंदर आप एक्टिव मोड के अंदर ही हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मसला कहाँ पे बनता है? मसला ये बनता है कि जैसे जैसे आप जो है ना VCE की वोल्टेज को रिड्यूस करते रहते हैं, किसी भी वजह से हो, रिड्यूस करते करते एक मिनिमम वैल्यू है VCE सेचुरेशन जो कि है 0.2 वोल्ट। उसके ऊपर क्या होता है कि ये ना वोल्टेज आपके पास ये रिड्यूस कर रही होती है, तो उस 0.2 वोल्ट के ऊपर ना ये बन जाता है प्लस माइनस 0.5। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जी यहां से इधर जो है अगर इसको आपने कोई वैल्यू दी है नोड के ऊपर, लेट से 0 वोल्ट ही कर दें, तो ये नीचे हो जाएगा -0.7 और ऊपर हो जाएगा -0.5। ओवरऑल जब डिफरेंस इसका लेंगे ना ये माइनस ये वाली चीज, तो हमें पता चलेगा जी 0.2 वोल्ट आ गए हमारे पास। तो आप उस केस में क्या होता है कि आप ना सेचुरेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं, और जो हमारे इस पूरे ऑपरेशन के लिए जो फंडामेंटल कंडीशन थी कि ये फॉरवर्ड बायस्ड हो ये रिवर्स बायस्ड हो, जैसे ये वोल्टेज 0.2 तक पहुंची तो ये दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड हो गए। ठीक है, जब ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हो गए हैं तो हमारा तो सारा का सारा ऑपरेशन ही खत्म हो गया। कि वो याद है ना स्टार्ट में इधर जो आपको बात की थी कि जी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर पहुंचते हैं तो इधर रास्ता कम होता है, तो वो टनलिंग के थ्रू यहाँ पे आते हैं। आप इसको फॉरवर्ड बायस्ड कर देते हैं तो वो तेजी से जो भी इधर से आ रहे हैं इधर से फ्लो करने की बजाय ज्यादातर सारे इधर से फ्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास उसमें क्या होता है कि अब बेस करंट के साथ इस टोटल करंट का रिलेशन खत्म हो जाता है। तो अब आपके पास जो सिनेरियो बनता है ना वो आपके पास बनता है ये वाला। अब क्या होगा कि जी एक तो चीज ये है कि वोल्टेज आमतौर पे जो है ना कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज वो थोड़ी आपके पास जो है ना वो फिक्स्ड ही तकरीबन रहेगी इसके 0.2 वोल्ट या इस तरह करके ना आमतौर पे फिक्स। और दूसरी क्या बात होगी कि अब उसी फिक्स्ड वोल्टेज के आसपास जो है ना जितना मर्जी आपने करंट फ्लो करवाना है आप करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये वोल्टेज आपके पास जो है 0.2 वोल्ट के करीब फिक्स रहेगी।
बेस करंट अब आप बढ़ाएं या कम करें इतना आपके पास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर से जो करंट है ना आईसी, वो अब डिपेंड करेगा एक्सटर्नल सर्किट में आपने क्या चीज लगाई हुई है। तो ये इस तरीके से है कि जैसे आपने एक स्विच ऑन कर लिया, ये 0.2 वोल्ट इतने कम है, इनको नेग्लेक्ट करके आप समझ सकते हैं जैसे शॉर्ट ही कर दिया एक तरह का, ठीक है। तो अब इस केस में क्योंकि बेस करंट के साथ इस कलेक्टर करंट का रिलेशन ही कोई नहीं रहा, तो अब आपके पास जो है ना ये एम्पलीफिकेशन के लिए इस सेचुरेशन रीजन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये थोड़ा और फाइन ट्यून्ड इसका बताया हुआ है कि ना थोड़ी सी जो है ना 0.2 से भी ऊपर नीचे वेरिएशन करें तो उसके साथ भी जो है ना थोड़ा सा करंट चेंज हो जाता है, पर हम आमतौर पे जो है ना इस चीज को इतना ज्यादा नहीं कंसिडर करते होते, क्योंकि हमने एज अ स्विच ऑन कर देना है तो बस ऑन करने पे जितना भी करंट चाहिए वो फ्लो कराता रहेगा। तो ये हमारे पास है सैचुरेशन का प्रिंसिपल, ठीक है। आपको पता चल गया ना कि कैसे एक्टिव मोड से आप सैचुरेशन में आ सकते हैं, कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करे कैसे आ सकते हैं। फाइव सिक्स एट टू माइक ऑन करें। कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके मुझे बताए कि कैसे हम, जी हाँ आप बताएं, हम एक्टिव मोड से जो है सैचुरेशन में कैसे पहुंच सकते हैं। जी बताएं सर। हम लोग सर एक्चुअली मैं अभी वीडियो कंप्लीट कर रही थी, मैंने साथ साथ नहीं ली, इस घर में काफी ज्यादा गेस्ट आए हैं तो मैं भी वो कंप्लीट कर रही थी। ठीक है, ये जो चीज आप लोगों की है ना ये सही नहीं है। आपके ना मैं आमतौर पे जो वीडियो है ना वो मैं अपलोड कर देता हूँ तकरीबन 3-4 दिन पहले, तो आपके पास काफी टाइम होता है कि इसको पहले जो है ना वो देख के आप लोग जो है ना वो प्रिपेयर्ड होके आया करें, या दूसरे केस में क्या है कि आप इधर आके देख लिया करें, ठीक है। तो ये वाला जो है ना थोड़ा जरा अपने ना चीजों को मैनेज करें, क्योंकि ये साथ साथ आप नहीं ना करेंगे इसको, सेमेस्टर में आपके पास और भी कुछ बड़े हैवी कोर्सेज हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कोर्स है जिसकी समझ आना बड़ा ना टाइम लगता है, तो आपको उन सारी चीजों को साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। तो आप माशाल्लाह से मतलब के जो हमारे ब्राइटेस्ट जो इनटेक्स है ना उसमें से आप लोग हैं, आप लोगों का पूरा ओबी के ऊपर है, तो हमारी बहुत तवक्कुआत है आप लोगों से। तो आप लोग ना काइंडली जो है वो कोशिश करें कि ना ये तवक्कुआत पे पूरा उतरे आप लोग, ठीक है। और कोई बता दे अगर किसी और को। सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। सर जब वो सर जो VCB है ना सर, सर वो पहले रिवर्स चल रहा था ना सर, जब अगर वो फॉरवर्ड होगा ना सर तो सर नीचे भी फॉरवर्ड पहले चल रहा है जो मतलब के जो वो VEB या VBE है जो वो ऑलरेडी फॉरवर्ड था ना सर पहले से, सर ऊपर वाला भी जब फॉरवर्ड होगा तो फिर सर ये किस्म का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जी जी 0.2 है ना सर ऊपर आपने बताया तो 0.2 होगा जो VCB है। सर जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर वो सर बहुत ज्यादा सर ऊपर 0.2 वोल्ट है तो सर वो बहुत ज्यादा कम है यानी कि ना होने के बराबर है तो सर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सर सैचुरेशन रीजन अटेन हो जाएगा। अच्छा सरप्राइजिंगली आपने जो है ना मेरी एक्सप्लेनेशन से भी ज्यादा अच्छी एक एक्सप्लेनेशन आपने बल्कि दे दी है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो कर रहा था लेकिन ना मैंने वो इस पर्सपेक्टिव से देखा नहीं था जिससे आपने बात कर दी है, ठीक है। वो वाकई ये है कि अब आपके पास दो डायोड्स लगे हों, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, ये भी आपने फॉरवर्ड बायस्ड किया हुआ है, तो वाकई ये पूरा शॉर्ट सर्किटेड है, तो जितना मर्जी करंट फ्लो करना करता रहे, रास्ता ही नहीं, कोई रोकने वाला ही नहीं है करंट के फ्लो को। बस ये एक चीज है कि इसमें फ्लो की डायरेक्शन उल्टी है लेकिन उसके बावजूद कोई मसला नहीं होता, दोनों जो हैं वो जब फॉरवर्ड बायस्ड हैं और उनको फोर्स किया हुआ है तो करंट जितना मर्जी फ्लो कराते रहे, रेजिस्टेंस ही नहीं आनी करंट को। तो ये भी अच्छे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है आपका क्वेश्चन, आपने सही मतलब के आंसर किया। और कोई स्टूडेंट कोई और क्वेश्चन हो किसी का? फाइव सिक्स फोर फाइव
यस सर। जी आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, सर यही था बस, थोड़ा समझ नहीं था लगी जब लेक्चर सुना था ना तो ये क्लियर हो गया। सही है, ये ना मैंने सारा ये रिकॉर्ड भी किया, ये वाला पोर्शन, तो ये मैं रिकॉर्डेड भी डाल दूंगा। दूसरे सेक्शन ने भी बेसिकली यही सवाल किया था, तो एक्चुअली बात ये है कि ये वाला पोर्शन अभी सही तरह से ना स्टार्ट ही नहीं, ये एग्जांपल एक आध आती है ना उससे पता चलता होता है, तो वो और आगे यहाँ पे ऑन ऑफ और ये ना तीन चार एग्जाम्पल्स आनी है, लेकिन है कि वो ये अनफॉर्चुनेटली टाइम लेक्चर का इसी पोर्शन पे खत्म हुआ था, तो इसलिए मैं आगे नहीं जा सका, वरना ये डीसी लोड लाइन और चीजों से ना काफी बेहतर इसकी समझ आ जाएगी। ये जब लेक्चर ड्यूरिंग लेक्चर सुना था तब सर समझ नहीं थी लगी, बहुत ध्यान से भी सुन रहा था लेकिन फिर भी नहीं थी लग रही, हाँ लेकिन अब ये चीज प्रेक्टिस है ना कंप्लीट कि हुआ है ना अक्सर अक्सर इस ये तरीके से जब हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन आंसर सेशन में आना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आंसर हुआ तो इसमें क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ, और इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी करके इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि ना फिर खाली लेक्चर की बजाय, अब आप लोगों को पता होगा कि जी लेक्चर के बाद क्यू एंड ए में भी कोई बातें की थी जो कि देखनी है, तो आप लेक्चर की वीडियो देखेंगे फिर क्यू एंड ए पे जाएंगे तो फिर पूरी चीज समझ आ जाएगी। ये सारी जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये ऊपर रिकॉर्डेड का इधर नजर भी आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक जी सर, है? यस सर। चलें ठीक है। सर जी सर, आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो आपने जो बेस के ऊपर वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो 0.7 वोल्ट अज्यूम किया है। जी सर मे भी हो सकता है वो 0.5 हो। जी हाँ हो सकता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा ये 0.7 सिलेक्ट करें या फिर 0.5? नहीं तो अगर 0.5 हो अजम्पशन के ऊपर 0.6 0.7 0.8 आप जो भी अजम्पशन के ऊपर करेंगे कि जी इतने हैं और उसके साथ सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है, आपने अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है ना। सर मतलब कि हमारा आंसर नहीं ठीक होगा नहीं अगर इसमें पता क्या है एग्जैक्ट रिजल्ट में फर्क कितना पड़ता है ये देखते हैं, ये इसको कर देते हैं 0.5 कर दें कितना फर्क आया, 450 माइक्रो एम्पेयर, यहाँ पर आए 150 से किया 450, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फर्क जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली आता है आपके पास, ठीक है? तो ये जो है ना इंजीनियरिंग में अभी आप देखेंगे आगे कि हम ये तो कुछ भी नहीं है, हम इतनी बड़ी बड़ी चीजों को अप्रोक्सीमेट करके आगे सॉल्व कर देते हैं, ओके एज लॉन्ग एज सर। आपकी अजम्पशन सॉलिड है ना, तो वो तो अभी सही आपको पता नहीं, हम तो ऐसे करेंगे, ये देखें ना करंट हमारे पास आ रहा है 1 मिली एम्पेयर है, ठीक है, प्लस उसमें हम कर रहे होते हैं जी 0.1 मिली एम्पेयर है, और हम कहेंगे कि जी ये अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पेयर है, हम कहेंगे कि जी 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगा है पैरेलल में आ रहा है जनाब 10 किलो ओम के, रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1 किलो ओम। ये अभी आप देखें आगे क्या क्या होता है इस कोर्स में, ठीक है? क्योंकि हमने बहुत ना इशू क्या है, हमने एज इंजीनियर्स ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जो है ना सॉल्व करना है, यस सर। हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं सिमुलेशन में जो हमें बिल्कुल प्रिसाइज किस्म की जो है ना वो वैल्यूज दे देंगे, पर जो चीज एज इंजीनियर्स हमें आनी चाहिए वो ये है कि बाय हैंड कम से कम टाइम में जो है ना कितना हम एक्यूरेट किस्म का ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी अप्रोक्सीमेशंस जानबूझ के करते हैं कि ताकि हमारे पास जो है ना कम से कम टाइम में हमें एटलीस्ट पता चल जाए कि यार ये आइडिया इतना कोई है वैल्यूएबल कि हम इसको सिम्युलेट करें या हम इसको यहीं पे टेबल रिजेक्शन कर दें इसकी, या पेपर के ऊपर ही सॉल्व किया हमें पता चला ये काम ही नहीं करना, आगे उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है, यस ठीक है? तो इसलिए जो है ना अब वो फिजिक्स के यहाँ तो हम पढ़ नहीं रहे जहां पे, यहाँ कोई मैथमेटिक्स के अंदर के जी पाई हमारे पास आया है तो हम पाई का शुरू कर दें 3.145 पता नहीं क्या करके जो है ना 10 डिजिट्स तक जाएं, हम क्या करते हैं 3.14 है ठीक है जी सफिशियंट है सॉल्व किया आगे आगे, अक्सर कोई उससे भी कोई करना हो तो 3 के करीब ही लेके हम कर देते हैं, ये जी 64.5 है जी 65 से करके कर दिया। हमारा मकसद होता है जैसे पेपर में भी क्वेश्चंस इसी तरह के आते होंगे, वो आप जितना डेप्थ के अंदर ना प्रिसीजन ऑफ वैल्यू पे जाते रहेंगे ना उतना आप टाइम जाया करेंगे, आपको सिखाना भी यही मकसद है, जब डिजाइन हमने करना है ना तो बहुत प्रिसाइज वैल्यू इनिशियल लेवल पे नहीं आपको चाहिए, ठीक है? वो आगे प्रिसाइज वैल्यूज आपको आगे सिमुलेशंस और उनके थ्रू मिल जाया करेंगी। पहली चीज ये है कि भाई ये सेचुरेशन में है कि कट ऑफ में है, लेट्स से एक एक क्वेश्चन आ जाता है आपको जो है एक्टिव मोड में है कि नहीं है, तो
तो उसके लिए क्या है कि आपने ये क्विक कैलकुलेशन की पता चल गया कि जी ये काम कर रहा है, ओके आगे फिर आप अगले स्टेप पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए जो है ना, ये इस तरह की चीजें जो है छोटी मोटी वो मैटर नहीं करती जब तक कि उनसे कोई बड़ा रिजल्ट ना आ रहा हो। मतलब बिल्कुल बाउंड्री पे है कि ये करंट हमारे पास जो है ना, ये बेस करंट जीरो बिल्कुल होने वाला है, तो फिर या ये नैनो के अंदर आ गया फिर हमें पता है कि जी कुछ गड़बड़ है, फिर हम जरा प्रिसाइज वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जब तक कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी में पॉसिबल है कि आ जाए कोई चीज ऐसी। यस सर। तो ये मैंने जो भी आपको चीजें बताई है ना, ये मैंने आपको बताया वो डिजाइन लेवल पे कैसे आपने चीजों को सोचना होता है। यस सर। और सर आपने जो केवीएल अप्लाई किया है वो भी नुमान साहब से थोड़ा अलग तरीके से किया है। नुमान साहब का तरीका बता दें कैसे वो करते हैं। सर नुमान साहब रेजिस्टेंस को हमेशा फॉलिंग में लेते थे, मतलब यहाँ पे वोल्टेज लॉस हो रहे हैं उसको नेगेटिव। मैंने भी फॉलिंग में लिया और मैंने यही कहा था कि हमेशा उसके अक्रॉस फॉल ही करते हैं। सर आपने साइनस के साथ पॉजिटिव लिखा था ना, वो नेगेटिव लिखते थे। अच्छा वो बात कर रहे हैं। नहीं ये जो मैंने जो केवीएल वाला किया है ना, ये है जो बुक एक मैंने ना अभी वो पढ़ाया है फर्स्ट सेमेस्टर वालों को। यस ठीक सर। है, पहले मैं भी वो दूसरा यूज करता था लेकिन मुझे ना ये वाले नोटेशन के अंदर फायदा काफी नजर आया था। उसकी वजह एक खास ये भी थी कि ना उसमें ना मुझे जरा आसानी लगी थी, तो मैंने फिर इसलिए जो है ना मैंने कहा कि जी वही वाला तरीका कार ठीक है। अब उसमें क्या आता है कि जी ये वी इनपुट है, ये है आई डोंट नो 5 है केवीएल, इधर आपने अप्लाई करना है, ये करंट I0 है लेट से, और जनाब इधर से नहीं, ये तो मैंने करंट सोर्स ही बना दिया, फिर केवीएल किस चीज का चाहिए। इधर एक और लगा देते हैं इस तरह का, चले ठीक है, ये 3 है ये 2 है, या कोई सप्लाई भी लगा देते हैं कोई इंटरेस्टिंग हो जाए, ये 2 वोल्ट आ गया। तो अब इसमें क्या करना होता है कि आपने ना जिस लूप से डायरेक्शन आ रही है ना, आपने हर जगह के ऊपर देखना है कि करंट जो इंटर हो रहा है वो उस जगह के ऊपर सप्लाई है तो साइन क्या है। ये नेगेटिव साइन है, आप बस लिखते जाएंगे माइनस वी इनपुट, ये सारों के क्रॉस रेजिस्टर्स के क्रॉस ड्रॉप होगा 5, 3, 2, 10 हो गया, प्लस 10 आई आउटपुट, और इधर प्लस से आ रहा है +2 = 0। तो यहां से आप क्या कर लेंगे कि जी वी इनपुट -2/10, वी इनपुट -2/10 = IO। ये आपने देखना हो ना, मैंने वो LCA के लेक्चर्स भी काफी वो सारे रिकॉर्डेड अभी पड़े हुए हैं, तो उसमें KVL KCL वाला वहां से आप देख सकते हैं अगर आपने ना इस मेथड की और डेरिवेशन और डिटेल में देखना हो तो। यस सर, अब पता चल गया ना कि आप किस तरह अप्लाई करेंगे फ्यूचर में। हाँ, वो क्योंकि मैं पहले नहीं बल्कि मैंने कुछ लेक्चर्स इसमें ना आगे वाले वो पहले के रिकॉर्डेड है, उसमें हो सकता है किसी वो उसी तरीके से कर रहे हो, तो जो मर्जी आप मेथड यूज करें ना, केवीएल अगर कंसिस्टेंटली यूज करेंगे रिजल्ट वही आएगा। यस सर। ठीक है, फिजिक्स ने तो नहीं ना चेंज होना होता, आपको ग्रेविटी ना समझ आए तो ऐसे तो नहीं है ना कि चीजें हवा में खुद ही उड़ने लग जाएंगी, काम उन्होंने उसी तरह करना होता है। यस सर। ठीक है, तो वो इसी तरीके से है, आप ये इस मेथड से करें, मेथड दूसरे से कर रहे हैं, उससे एक्चुअल रिजल्ट पे तो नहीं ना फर्क पड़ना होता। सर आंसर तो सेम ही आएगा जैसे मर्जी, आंसर सेम आएगा। ठीक है, वो अब आप मेथड कोई दूसरा लगाएं तो जी ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास, कोई नया आपका अनोखा मेथड मैंने लगाया, ग्रेविटी की वैल्यू जनाब 9.8 की बजाय वो 52 मीटर पर सेकंड आ गई, तो मतलब मेथड गलत था आपका। अगर सारे मेथड ठीक यूज करेंगे तो रिजल्ट वही आता रहेगा। तो ये नहीं, तो इससे फिर मतलब ये नहीं आप अज्यूम करेंगे कि जी मेथड ठीक था वैल्यू गलत है, वो फिर मेथड गलत होगा, जब तक सही मेथड है हमेशा रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना जरूरी भी नहीं है कि आप मेथड अब जो आपने सीख लिया उसी को कंसिस्टेंटली यूज करते रहे। ठीक है, चलें सही है। और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें ठीक है, टाइम भी आपका हो गया, तो यहाँ पे ना ये सेशन मैं खत्म कर रहा हूँ, तो कल आपका जो है वो आगे लेक्चर होगा, टाइमली ज्वाइन कर लिया करें। और वीडियो वैसे ना यूट्यूब के ऊपर अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन मैंने एक वो
गूगल मीट पे ना वो स्केड्यूल किया हुआ है, तो वो शाम के पता नहीं 6 या 7 बजे खुद ब खुद वहाँ पे लिंक आ जाएगा कि जी कल वीडियो और लिंक सारा अपलोडेड है। तो लेकिन वो यूट्यूब वाले पे पहले पड़ी हुई है वीडियो नंबर 2 लेक्चर की, तो वो अभी भी चाहें तो जाके आप लोग देख सकते हैं।